चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल भाई फरकंदा फटाफट उठ जा शाबाश। मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरत है लंगड़ी तो नहीं है ना। चल उठ। माँ जी। माँ जी ने नहीं तूने उठना है। उठ मेरे लिए गोभी के चार पराठे बना के ला। शाबाश। अभी तो आपने खाना खाया है माँ जी। ले वो तो कब का हजम हो गया। मैं इस वक्त किचन में नहीं जा सकती। क्यों? क्या तेरे पैरों में वो लगी है? नहीं माँ जी मेरे पैरों में कोई चोट नहीं लगी। ओ जाहल। चोट नहीं वो जो लाल रंग की होती है मिर्चे। ओहो वो जो शादी में दुल्हन लगाती है पैरों में मेहंदी। हाँ हाँ तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। चल उठ पराठे बनाओ। शाबाश चार गोभी के पराठे जल्दी। घास। तू घास लाना भूल ही गई है। अरे घास नहीं मोमो चटनी। हाँ हाँ चटनी चट्टू बटे में कूट के लाना है तूने। मैं अब किचन में नहीं जाऊंगी माँ जी। तू बेशक जाके लॉन्च में चटनी बना ले। माँ जी मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी। खूबसूरत मुमताज तुम्हारी सास है यार। कौन है मुमताज? अरे तुम भाई। आप लोगों को हर आधे घंटे बाद भूख लग जाती है। अब जिसको जो चाहिए खुद जाके बना ले। अफ्तखार देख रहे इसकी लंबी नाक आप। लंबी जुबान मोमो। जुबान तो नजर नहीं आ रही ना। ओ गॉड मैं जा रही हूँ। अरे अब इतनी सी बात पे तुम घर छोड़ के चली जाओगी? ये घर मेरे पापा चलाते हैं। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो आप लोग हैं मैं नहीं। अभी इस शकीला को ना अपने बेटे से कह के मैं सीधा करवाती हूँ। कबीर खबरदार मेरे पराठों को हाथ होगा। ओके डार्लिंग अभी भेजता हूँ एक फ्रेश सेल्फी। सोनिया को तस्वीर। अरे पुत्र जी। क्या 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 हुआ माँ जी क्या हुआ? अरे पुत्र तेरी बीवी। क्या खूबसूरत मर गई माँ जी। लेकिन आप टेंशन ना लें मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर बहू ढूंढ के दूंगा आपको। वो डैन मरी नहीं एक फील। तो फिर पुत्र तेरी बीवी ने मेरे साथ बड़ी वो की है। मुझे ना इस घर से निकालने की वो भी दी है। बस माँ जी बस उस औरत की ये हिम्मत कि मेरी माँ को धमकियां दे घर से निकालने की। आज फैसला होकर रहेगा माँ जी। आज उस औरत का खून मेरे हाथों से होकर रहेगा। ये मेरा पुत्र मैं सिद्दकी में कुर्बान। खूबसूरत खूबसूरत। क्या है नबील तुमने क्या कहा है मेरी माँ जी को? यही कि कुछ कम खाया करें। वक्त बेवक्त खाना मांग कर परेशान करती है। ये घर है कोई होटल नहीं है। खूबसूरत नबील। और माँ जी वो खूबसूरत ठीक कह रही है यार। आपको ना इस उम्र में थोड़ा कम ही खाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ महमूद साहब और आपको ना महीने में 10-12-15 रोजे रख लेने चाहिए। आपको कैसे पता चला? तेरे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तू अभी ताजा ताजा जलील होकर आ रही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बाबा जी। वो मेरी बहू है ना वो बड़ी चड़ैल है और मेरा जो बेटा है ना अदील वो भी जोरू का वो है। बाबा सब जानता है। तू बहू का जीना हराम करना चाहती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये देख तेरे मसले का हल मेरे पास है। इसे खाते ही तेरे पास वो ताकत आ जाएगी कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर इसे मुझे दे देना बाबा जी। बाबा सब जानता है तूने 2 सोने की चूड़ियां पहन रखी है। आपको
कैसे पता चला? बाबा अंधा नहीं है, बाबा को सब टिपाई देता है। ला ये चूड़िया मुझे दे दे, ये सबूत की कीमत है। हाँ जी बाबा जी, आपने ये मुझे देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये पकड़ ले, ये आपने माला है और ये डंडा भी देना है। नहीं ना? नहीं, नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ये मुझे खाली सबूत ही देंगे। हाँ। ये ले। हाय मेरे कंगन, जाना नहीं चाह रहे लेकिन ये ले। बस ठीक है, अब तू जा, बाबा सब जानता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हाय महमश, लगता है बाबा तुझे बेवकूफ बना गया है। वो बाबा बड़ा वो था। हाय मेरे कंगन मुस्तकीम। पीनो जी देखें, आप ना मुझे मिस कॉल दे दिया करें, मैं ना खुद आपको कॉल बैक कर लिया करूंगा। दरअसल वो मैं नहीं चाहता ना कि मेरी बीवी को पता चले कि मैं आपसे चुप चुप के फोन पे बातें करता हूँ। अरे बहुत ही पागल किस्म की खड़ूस औरत है वो। कौन है? अच्छा अब अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे हो मुस्तकीम? अरे ये आवाज तो मोमो की है। मोमो कहाँ हो तुम? मैं आपके सामने खड़ी हूँ मसूद। प्राई औरतों को देख देख के ना तो आपकी आंखों की वो चली गई है। अरे भाई मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस तुम ही नहीं नजर आ रही। कहाँ हो? ये रही मैं हाशम, ये रही गौर से देखें। मामा तू मुझे सचमुच कहीं भी नजर नहीं आ रही, ये तो मर के कहीं भूतनी तो नहीं बन गई? मैं जिंदा हूँ मसूद, आपके सामने खड़ी हूँ। मामा अरे तो मुझे सचमुच दिखाई नहीं दे रही हो, देखो वो सामने आईना है, तुम उसमें जाके देखो। अच्छा वुशे, मैं तो सच में वो हो गई हूँ मनवर। तुम गायब हो गई हो मोमो, तुम गायब हो गई हो। याहू निसरीन, मैं आ रही हूँ। ये मेरे कमरे की हालत किसने की है? नबील कौन है? कौन है मेरे कमरे में? कौन है? प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। नबील क्या हो गया जानू? अब तुम एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हो। शट अप नबील। ओके जानू। नबील मुझे लगता है यार इस घर में भूत है। क्या? हाँ नबील, अभी जब मैं कमरे में गई तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, किसी ने मेरे बाल भी खींचे और थप्पड़ भी मारे। जानू तुमने मेरी माँ को सताया था ना, ये ऊपर वाले ने तुमसे बदला लिया है। ज़ेनी तवाज़न खो बैठी हो तुम। What rubbish? नबील तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ओ जानू काश मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता, और मैं इतनी दूर से कैसे थप्पड़ मारूंगा तुम्हें यार। ये थप्पड़ तुझे मैंने मारा है नौरीन। ये तो माजी की आवाज है नबील। ओ माजी, ओ यार आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैंने बाबा जी का सुफूफ खाया है बच्चू, इसलिए मैं गायब हो गई हूँ। तो अब गिन के मैंने बदले लेने। हाँ ये चीज माजी, छोड़िएगा ना अपनी नाफरमान बहू को। नबील ओ यार माँ जी मुझे क्यों मार रही है यार? क्योंकि तू अपनी बीवी का वो है अदील। जानू भागो यार, भागो यार, भागो यार, भागो यार, भागो यार। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी पर। ओ यार मैं मुसा बात आए ना यार, दिख जाए एक जगह पर, क्यों चैनल चेंज किए जा रहे हैं? अरे मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ भाई, रिमोट तो ये पड़ा हुआ है। हाँ अरे शर्म नहीं आती बाप को मारते हुए? यार ये मारी है यार, भागो।
नबील यार तुम अपनी माँ को समझाओ यार, ये क्या पागलपन है? अरे किसी को सुकून का सांस ही नहीं लेने दे रही वो औरत। ओ, मैं क्या समझाऊँ महमूद साहब, इस औरत के चक्कर में माँ जी मेरे खिलाफ हो गई है यार, मुझे खुद मार रही है। ये देखे उन्होंने मेरा क्या हाल किया। जानू वैसे पहले से तुम अच्छी लग रही है। नबील कुछ करो यार, इस तरह तो माँ जी हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं पापा के पास जा रही हूँ। ठीक है जानू, तुम मेरी भी टिकट बुक करा लो, लेकिन बिजनेस क्लास कराना, वहाँ खाना अच्छा मिलता है। हरगिज़ नहीं, तुम यहीं रहोगे। यार महमूद साहब अब इस मसले का हल सोचना होगा। जो हमें इस मसले का सोचना है वो हल है। हाँ जी। अच्छा जी। नबील माँ जी किसी बाबे के सफूफ का जिक्र कर रही थी, हमें वो बाबा ढूंढना होगा यार। अरे हाँ, सुबह जब मैं सब्जी लेने गया था ना, तो वहाँ नीम के दरख्त के नीचे मैंने एक चुरमुचुर सा बाबा देखा था। अरे महमूद साहब तो फिर सोच कर रहे हैं, चले उस बाबा के पास यार, इस सफूफ का कोई तोड़ लेके आए। हाँ चलाओ चले। जानू मेरे आने तक तुमने अपना ख्याल रखना, कहीं माँ जी तुम्हें कोई चाकू चाकू मार के लॉन में ना दफना दे। स्टॉप इट नबील। ओके जानू भाई, आए महमूद साहब आए। जानू ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। ये रहा नबील वो बाबा। यार महमूद साहब आपने तो कहा था नीम के दरख्त के नीचे है, ये तो नारियल का दरख्त है। अरे नबील लेकिन जब मैं सुबह यहाँ से गुजरा था तो ये नीम का ही दरख्त था। अच्छा जाने आए यार। चेक बनी कुलकुल नौ चमक इंसान सीधा गड़बड़ घोटाला आलू बुखारा छे आने पाओ हाथी का अंडा मछली के पाए आए 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 आए। क्या कह रहे नबील? महमूद साहब बाद में इसे तर्जुमा करवा लेंगे यार। ठीक है बाबा सब जानता है। और बड़े मुँह वाले तू अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है ना? अरे भाई मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, मेरा तो बस एक बेटा है। बाबा सब जानता है, ये तेरा बेटा इसका औलाद नहीं हो रही? ओ बाबा जी मेरी तो एक ऑलरेडी बेटी है यार, चांदी। हाँ तो बेटा चाहिए। महमूद साहब ये बाबा बिला वजह सीन लंबा कर रहा है यार, क्योंकि इसका एक आधा ही सीन है। सीन तो अब शुरू होगा बच्चा, तुम लोगों का मसला क्या है? मेरी बीवी गायब हो गई है बाबा जी। कसम से मेरे साथ नहीं भागी। तो आप लोगों की बीवियां भगाते हैं बाबा जी? वो पहले की बात थी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ओ यार बाबा जी आपने मेरी माँ जी को एक सफूफ दिया था जिसे वो खाकर गायब हो गई है। मुबारक हो। अरे क्या मुबारक बाबा जी, अरे वो गायब होके चपेड़े मार मार के मुंह लाल कर दिया मेरा उसने, हमें को इसका तोड़ दें। हाँ। ताकि वो वापस नजर आए हमें। अच्छा लेकिन चूड़ियाँ वापस नहीं करूँगा। कौन सी चूड़ियाँ? नहीं वो जो उसको किसी मीठी चीज में डालकर खिला देना, वो नजर आने लगेगी। लाओ मेरी फीस। बाबा जी अभी पैसे तो नहीं है, आप एक काम करें महमूद साहब को गिरवी रख ले। अरे भाई तू तो इधर। अरे वो बाबा को कुत्ता कुत्ता। और रुको और रुको बेटा, आप पता चलेगा फीस नहीं दी ना, देख लेना। चलो चलो चलो। क्या हुआ बाबा जी मिले? हाँ जानू बाबा जी मिल गए, उन्होंने ये सबूत भी दे दिया है, ये किसी मीठी चीज में डाल के माँ जी को खिलाना होगा। लेकिन नबील हम खिलाएंगे कैसे, तुम्हारी माँ तो नजर ही नहीं आ रही। आप उसकी फिक्र मत करें, मुझे पता है माँ जी को कैसे खिलाना। ठीक है जानू जाओगे, मैं गुस्सा बैठे आप। हाँ। लूडो ही खेले उठी देर। आपके पास वो है? शुक्र है यार माँ जी फिर से नजर आना तो शुरू हो गई है। अरे यार नबील को पिछले दो घंटे से बेहोश पड़ी हुई है, अरे ये सफूफ का कहीं उल्टा असर ही ना हो गया हो। मैं मुसा टेंशन ना ले यार, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जे मैं होंदी ढोलना है ढोलना सोने दी तवीतड़ी जेंदे गल नाले लग के तेरे जानिया, आए, जानिया। माजी? ए चीसे,
माँ जी किसको बोला तूने? अरे ये तुम्हें क्या हो गया मुमताज? हाय हाय इतने मर्दाना नाम से ना पुकार मुझे। माँ जी आपका नाम मुमताज है। ऐसी टोलनी मेरा नाम बिल्ली है बिल्ली। बिल्ली? हाँ पंजा मार के दिखाऊं तुझे। ओए अल्लाह ये मत देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? अरे तुम मेरी बीवी हो मुमताज। हाँ मैं तो हिजड़ा हूँ। तूने नहीं देखे मेरे ठुमके? अगर बोल तो मैं दिखाऊं दो चार। महमूद साहब मुझे लगता है बाबा जी का सफूफ खाने से माँ जी हिजड़ा बन गई है। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ। अरे तो आप बाहर क्या करने जा रही है? ले लोगों से बधाइयां लेने। दर दर जाऊंगी नाच गाना करूंगी। महमूद साहब आप जाएं उनके पीछे पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा यार। और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। झंझर दे पावा जाने कार। बड़ा शाहरुख बन रहा है दिखाओ अपना डिंपल। देखो तुम बाहर नहीं जा सकती बस। तो चलते रे साथ चलती हूँ। समंदर पे एक साथ ना एक ही छल्ली से बारी बारी खाएंगे। मुझे कोई छल्ली वली नहीं खानी है। तुम इसी वक्त अंदर चलो। आय हाय मैं जब तक नाच गाना ना कर लूं मेरा ऑक्सीजन नहीं भरता मुझे। जितना भी नाच गाना करना है ना घर के अंदर करो। पर एक बात सुन बड़े मुंह वाले शाहरुख एक मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। कैसी बात? तुम लोगों को मेरे साथ ना संगत डालनी पड़ेगी। अकेले गाने नाचने में ना मजा नहीं आता मुझे। अच्छा अच्छा वो भी कर लेंगे। तुम अंदर तो चलो ना। चलो आओ चलो चलो। यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर रहे यार जालू। माँ जी को कंपनी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं यार? ए छोकरे मेरा नाम बिल्ली है बिल्ली और तू रीमा की डुप्लीकेट। मेरी बर्थडे का डांस प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ। बोल आपकी बर्थडे? हाँ हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे। अपने बरादरी के 20-25 लोग बुलाऊंगी और ये बड़ा हार्ट शेप का केक लाएगा मेरा शाहरुख। कौन शाहरुख? हाँ हाँ ये बड़े मुंह वाला शाहरुख। और कौन? ये सब क्या है नबील? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी यार। खूबसूरत अब मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हारे पापा का ना ड्राइवर बन जाऊंगा। हाय शहजादे बिल्ली को कहाँ छोड़ के जाएगा तू? कोई कहीं नहीं जाएगा मैं जाऊंगा। पापा जी से सबूत लेना यार बहुत हो गई यार। पापा को तो मैं देख लेता हूँ। पापा आई नीड सम फ्रेश एयर। And I need some... चल चुप कर जा। नया गाना बजा शाबाश। सुने की तभी तेरी जे मैं हूं भी डोले ना। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। यार नबील इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार। डोंट वरी महमूद साहब बाबा जी कह रहे थे कि इस बार उन्होंने पक्का नुस्खा दिया है। अरे उस बाबे ने तुझे फ्री में नुस्खा दे दिया? ओ नहीं महमूद साहब बड़ा तपा बैठा हुआ था क्योंकि पिछली बार पैसे नहीं दिए थे ना आप ही भाग आए थे मैंने आपको गिरवी रखा था। इस बार उसने पूरे 30,000 रुपए लिए हैं मुझसे। 30,000? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए भाई? आपकी अलमारी से। क्या? अरे नबील अरे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। मोहब्बत तेरी जिंदगी मेरी मैं दम तेनू तकना मेरे सोने सजना है मोहब्बत तेरी। और कितनी प्यारी सोनी है तू। अब बिल्ली जी आपके लिए मैं ये जूस लाई हूँ। ओए होए बड़ी मीठी हो रही है चूसनी। कहीं शरबत में जहर तो नहीं मिला कर लाई? नहीं नहीं। अच्छा तो चल पहले तू पी। मैं हाय छक्कले कहाँ किधर है? डर गई वो तो मैं तुझको कह रही थी छक्कले। चल मेरे साथ जूस पे उठा जूस ये। उठा पी। पी रही हूँ। मैं दम जूस न पीना वे मेरे सोने सजना पिया पिया अब तेरी। आय हाय बाजी बड़ा मीठा जूस बनाया तूने।
पूरा पिए ना। अरे मोमो अब आ भी जाओ ना। आ है कौन मोमो? मैं तो बिल्ली हूँ। बिल्ली बिल्ली मुझे कहते हैं बिल्ली। तुमने जूस नहीं पिया तो फिर जूस किसने पिया है? और जानू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय हाय जानू किसे कह रहे तू? चल यार चल इस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।